हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइस दिस इज लेक्चर नंबर ट्वेल्व ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिक एमसीक्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली जो बच्चे अब आई एफओ का एग्जाम देने जाएंगे कुछ ही दिनों के अंदर तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहेगा लेक्चर नंबर ट्वेल्व और ये लेक्चर सीरीज बेटा कंटिन्यूड रहेगी ओके okay? सो so, अगर आप इस साल में नबार्ड जो प्रिलिम का पेपर आएगा या मेंस आएगा या बाकी के जो एग्जाम्स आएंगे एग्रीकल्चर रिलेटेड वेरियस एंट्रेंस एग्जाम होते हैं आपके बहुत सारे तो उनके लिए अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे लेक्चर्स ओके सो लेट अस क्विकली स्टार्ट एंड बिफोर गोइंग इनटू इट ये 2000 प्लस नॉन वीडियो एमसीक्यू कोर्स है अभी इसका प्राइस सिर्फ तीन सौ रुपए है ठीक है अब आई बी पी एस एफ ओ देना चाहते हो अगले साल नबार्ड देना चाहते हो कोई भी एग्जाम देना चाहते हो एग्रीकल्चर का तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है और ये कंटिन्यूअसली अपडेट होगा कोर्स ठीक है इसके अंदर पुराने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन छटते जाएंगे और नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है वो एडअप होते जाएंगे ओके चलिए सो लेट एस क्विकली कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन लीची प्लांट्स आर कॉमर्शियली मल्टीप्लाइड बाय तो बेसिकली लीची प्लांट का प्रोपोगेशन मेथड यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा प्रोपोगेशन मेथड यूज किया जाता है डिफरेंट क्रॉप्स के प्रोपोगेशन जो इम्पोर्टेंट आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनके मेथड जरूर कर लेना ये बात जो बच्चे भी IBPS, AFO का देने जा रहे हैं विद इन फ्यू डेज उनके लिए बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है तो लीची बेटा किससे आपका मल्टीप्लाई uh, होता है प्रोपोगेशन होता है एयर लेयरिंग को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है अगर कॉमर्शियल लेवल के ऊपर लीची की कल्टिवेशन हो रही है लीची के बारे में कुछ चीजें ध्यान में रखनी है और प्रपोगेशन uh, मेथड के अलावा लीची का बॉटोनिकल चाइनेसिस ठीक है जी वेराइटीज इसकी जो इंपॉर्टेंट है एक तो मुजफ्फरपुर देहरादून कैलकटा सीडलेस लेट एंड रोज सेंटेड कावेरी ओके तो ये कुछ वेराइटीज हैं आपकी स्पेसिंग जो है स्ट्रॉबेरी uh, के केस में टेन इंटू टेन मीटर की रखी जाती है मैंने एंड फर्टिलाइजर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नहीं पूछता है येल्ड याद रखिएगा 80 से 100 किलो पर ट्री का रहता है कई बार ये जो माइनर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है ना इनमें से वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है नेक्स्ट आ जाए नेम द क्लाइमेटिक रीजन ऑफ एप्पल फ्रूट एप्पल फ्रूट मेनली आपका किस क्लाइमेटिक रीजन में कल्टिवेट किया जाता है टेम्परेट ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक एरिड नन ऑफ अबव तो डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन में आपकी पूरे की पूरी अर्थ बटी हुई है और एप्पल जो है वो मेनली बेटा आपका कहां पर ग्रो किया जाता है टेम्परेट रीजन के अंदर ठंडे इलाकों में ग्रो किया जाता है बेसिकली बेटा तो ये आपका इक्वेटर है और ये जो आपका इक्वेटर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला जो तक का एरिया होता है ना इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन ठीक है जहाँ पर आपका जो सेंट्रल इंडिया या सदर्न इंडिया वाला जो पार्ट है वो आपका ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आता है जो नॉर्दर्न इंडिया जैसे जम्मू एंड कश्मीर और आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमाचल प्रदेश वो आता है आपका टेम्परेट रीजन के अंदर तो मेनली एप्पल फ्रूट की कल्टिवेशन जो है वो टेम्परेट रीजन के अंदर होती है ठीक है एप्पल जो है इसका बॉटनिकल नेम याद रखिएगा एंड एप्पल जो है प्रीमियम फ्रूट कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड का एंड टेम्परेट फ्रूट है दिस आल्सो ऑल्सोज टू बी रिमेम्बर्ड फटाफट से थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे प्रोपोगेशन मेथड ऑफ एप्पल क्या है ये आपके ऑप्शन है सॉफ्टवुड कटिंग हार्डवुड कटिंग सकर्स नन ऑफ दी अब शील्ड बडिंग तो बेटा एप्पल के केस में जो प्रोपोगेशन मेथड यूज किया जाता है वो आपका कौन सा होता है दैट इज योर शील्ड बडिंग ठीक है शील्ड बडिंग होता है ओके okay? चलिए टाफट से फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे ऑप्टिमम ग्रोथ एंड फ्रूटिंग के लिए एप्पल को कितनी रेनफॉल चाहिए होती है एमएम के अंदर थाउजेंड टू एटीन हंड्रेड फाइव हंड्रेड टू थाउजेंड थाउजेंड टू ट्वेल्व हंड्रेड सिक्स हंड्रेड टू नाइन हंड्रेड या ट्वेल्व हंड्रेड टू फिफ्टीन हंड्रेड ये सारी एम एम में है। क्वेश्चन में वो एम mm को कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में भी पूछ सकता है तो अगर आपको mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय टेन कर देंगे या सेंटीमीटर को एम mm में कन्वर्ट करना है तो इंटू हंड्रेड कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा कितनी ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए रेनफॉल चाहिए हजार से बारह सो mm, या जिसको आप क्या बोल सकते हो सौ से एक सेंटीमीटर की जो है वो ऑप्टिमम रेनफॉल कंसिडर की जाती है आपके एप्पल के लिए ओके okay, और ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होनी चाहिए पूरे नहीं है कि पर्टिकुलर टाइम पर बस बारिश हो गई okay, इससे एप्पल की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगी नेक्स्ट आओजी फटाफट से फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर एंगोरा वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एंगोरा वूल बेसिकली आपका किस एनिमल से एक्स्ट्रैक्ट किया जाता है ऑप्शन ए रेबिट बी शीप सी फॉक्स डी गोट एंड ई इज नन ऑफ दी अब अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है अंगोरा वूल कहा से एक्सट्रैक्ट होता है सो so दोस्तों अंगोरा वूल जो है एंगोरा वूल आपका रैबिट से एक्सट्रैक्ट होता है ओके एंगोरा बेसिकली एक रैबिट का ही वेराइटी है एंड एंगोरा रेबिट उसको हम बोलते हैं और जो ये अंगोरा वूल होता है ना इसकी खासियत क्या होती है ये अपनी सॉफ्टनेस के लिए जाना जाता है फाइबर इसका काफी थिन होता है और काफी फ्लफी होता है ठीक है सिल्की टेक्सचर होता है इसका और काफी गर्म इसको कंसिडर किया जाता है वजन हल्का होता है क्योंकि सॉफ्ट है हेलो है वजन हल्का है लेकिन काफी गर्म होगा एज कंपेयर टू अदर वूल टाइप्स एंड ये वैरायटी ऑफ कलर्स में आपको मिल सकता है क्योंकि एंगोरा रैबिट्स अलग अलग कलर के आपको मिलते हैं ठीक है ग्रे ब्राउन टू ब्लैक टैन इस तरह के आपको इसमें कलर्स मिल जाएंगे सिक्स क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ कर्ल्ड टो पैरालिसिस इज कॉज ड्यू टू ये बेटा एक क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि कर्ल्ड टो पैरालिसिस जो है ये किसका डिजीज है इज डिजीज ऑफ ऑप्शन में वो फॉर एग्जांपल आपको दे देता दे कि भाई काउ का डिजीज है ठीक है गोट का डिजीज है शीप का डिजीज है पिग का डिजीज है ठीक है पोल्ट्री का डिजीज है ओके okay, तो सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसमें ये पोल्ट्री का डिजीज है ठीक है ये किसका डिजीज है पोल्ट्री का डिजीज है और यहां पर आपका विटामिन बी टू जो है वो करेक्ट uh, आंसर है यहां पर बी ट्वेल्व लिखा हुआ था पीछे बट दिस इज विटामिन बी टू ठीक है विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी से होता है जो आपका राइबोफ्लेविन भी जिसको हम बोलते हैं और ये प्रॉब्लम जनरली जो यंग चिक्स होते हैं ना उनके अंदर आपको देखने को मिलती है पैर इस तरीके से मुड़ जाते हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ठीक है तो विटामिन बी टू की डेफिशियंसी से होता है एंड ये वहाँ पर होता है जहाँ पर अच्छे से आपने फीड ना दिया हो ओके okay? या अगर जो पेरेंट्स हैं वो राइबोफ्लेविन डेफिसिट हैं राइबोफ्लेविन की कमी है पेरेंट्स के अंदर ओके okay? एंड अगर आप प्रॉपर राइबोफ्लेविन डाइट उनको देते हो तो ये प्रॉब्लम आप अवॉइड कर सकते हो और इसके अगर ये प्रॉब्लम एक बार हो जाए तो चिक जो है वो मूव ही नहीं कर पाएगा एंड अल्टीमेटली जो क्वालिटी ऑफ चिक है वो काफ़ी पुअर रह जाएगी सेवेंथ क्वेश्चन के ऊपर आ जाए अगेन अ डिजीज रिलेटेड क्वेश्चन मारेक्स डिजीज इज फाउंड इन ऑप्शन ए कैटल बी पोल्ट्री सी शीप डी गोट या नन ऑफ अगेन एक डिजीज रिलेटेड क्वेश्चन है फॉर एनिमल हस्बेंड्री सो द राइट आंसर इन दिस केस गाइज इज ऑप्शन बी पोल्ट्री मारेक्स डिजीज आपका किस में मिलता है पोल्ट्री में मिलता है ठीक है तो मारेक डिजीज जो है एक वायरल इंफेक्शन है और कॉन्टेजियस है कॉन्टेजियस का क्या मतलब है कि ये फैलता है ठीक है तो अगर एक बार ये पोल्ट्री फार्म में आ गया डिजीज किसी एक पर्टिकुलर हैन को या चिकन को अगर ये प्रॉब्लम हो गई तो अल्टीमेटली ये फैलेगा ओके तो ये सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम है और इसीलिए ये काफी नुकसान कर देता है हर वायरस बेसिकली ये डिजीज कॉज करता है ये वायरस थर्टी डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर सकता है पोल्ट्री हाउस ड्रॉपिंग लेटर जो भी कूड़ा कचरा है पोल्ट्री फार्म के अंदर उसके ऊपर ये सरवाइव कर सकता है हफ्तों हफ्ता महीनों तक ठीक है इसको आप केमिकल डिस यूज करके इन in, इनएक्टिव uh, कर सकते हो ठीक है uh, और हाई ह्यूमिडिटी का इस्तेमाल करके अब ये जो इंफेक्शियस वायरस है ना इसको सिर्फ आप प्रिवेंशन से कम करने के चांसेस कर सकते हो लेकिन पूरे तरीके से प्रिवेंट नहीं कर सकते इवन वैक्सीनेशन भी ये पूरे तरीके से प्रिवेंट नहीं कर सकती एक पॉइंट और याद रखना है कि ये वायरस एग्स के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होता है ये वायरस एग्स के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होता है जो आपका मैरिक्स डिजीज है तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर वो पूछ सकता है सो दीज वर द सेवन क्विक क्वेश्चन एंड आई होप कुछ नया सीखा होगा और रिविजन हो गया होगा एंड एजी क्वेश्चंस जो है आते रहेंगे ये एग्रीकल्चर स्टैटिक एमसीक्यूज में विद इन थ्री फोर मंथ्स आप देखोगे कि इसको हम हंड्रेड लेक्चर्स uh, से भी ऊपर में क्रॉस कर जाएंगे और हर के अंदर अगर एवरेज पांच छह क्वेश्चन भी हुए तो पांच सौ छह सौ क्वेश्चन तो स्टैटिक के यहीं पर वीडियोज में ही आ जाएंगे और राइट सो ठीक है गाइस फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना एंड टेक केयर